भाई हेलमेट पहन लिया करो, हेलमेट हेलमेट पहन लिया करो भाई। हाँ क्या भाई, भाई तो सुन ही नहीं रहा, कमेंट करके बताना कैसा लगा ये वाला बिली। ये देखो भाई बच्चे को उठक बैठक करा रहे पुलिस वाले। तो हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। एंड अभी हमने एक डिफरेंट एंगल ट्राई किया है भाई। यहाँ पे हमने लगाया है GoPro Max को, बट हमने 360 मोड ऑफ कर दिया सो दैट शूट जब करें एंड उसके बाद हमें एडिट का कोई लफड़ा ना हो, हमने बस फ्रंट इसका लेंस ऑन करके रखा है हीरो मोड पे। तो अभी थोड़ा बाइक भगाएंगे अपन। भाई साहब क्या मज़ा आ रहा है। एंड पता नहीं क्यों आज मेरा जो एग्जॉस्ट है ना कुछ ज़्यादा ही बेसफुल लाउड साउंड कर रहा है। एंड साथ में अपने शुभम है ऑन R15 V3, आपको सामने दिख रही होगी। आई होप भाई GoPro में ना आवाज़ अच्छे से रिकॉर्ड हो रहा हो। एंड ये एंगल थोड़ा सा शायद कम आ रहा है, पता नहीं, वो तो जब अपन एडिट करेंगे तभी समझ में आएगा। तो चलो भाई थोड़ा भगाते हैं बाइक को। एंड आज मैंने यार ये वाले ग्लव्स निकाले BBG के, क्योंकि देखो काफ़ी टाइम से ये पड़ा हुआ था अपने पास, मैं यूज़ नहीं कर रहा था, मैंने सोचा चलो आज क्यों ना इसे यूज़ किया जाए। एंड गर्मी इतनी ज़्यादा है ना भाई, जैकेट बिल्कुल नहीं पहन सकते। अगर सिटी में राइड करना है तो इट्स नॉट पॉसिबल। अगर 50 किलोमीटर प्लस राइड करना है तो आप पहन सकते हो, बट फॉर 10-20 किलोमीटर इट्स नॉट पॉसिबल टू वियर अ जैकेट। सो दैट्स द ओनली रीज़न मैंने अभी जैकेट नहीं पहना। शुभम अपने R15 पे थोड़ा भगाते हैं। एंड वैसे तो भाई यहाँ पर बहुत आराम से ही भगाएंगे अपन। अभी आप लोग बोलोगे आराम से बोल के 160-70 भाई बाइक टच करा दी मैंने, क्योंकि 160-70 में समझ ही नहीं आता है, एकदम लगता है इट्स जस्ट द बिगनिंग। एंड ये बाइक ना 150 के बाद समझ में आता है कि बाइक स्पीड चल रही है, ऐसा होता है इस बाइक के साथ, क्योंकि बाइक की जो वेट है ना वो बाइक को बहुत ही ज़्यादा स्टेबल रखती है। तो अभी भाई बाइक का करते हैं ट्रैक्शन ऑफ एंड ट्राई करते हैं कुछ व्हीली वगैरह। तो ये मैंने डाल दिया राइडर मोड पे, ट्रैक्शन ऑफ एंड टाइम फॉर व्हीली। अभी भाई ज़्यादा कोई नहीं, मैं और शुभम में हम दोनों आराम से थोड़ी देर बैठ के चिल आउट करेंगे एंड थोड़े बहुत पिक्चर्स क्लिक करेंगे। तो भाई पिक्चर्स के लिए आप लोग जाके जल्दी से इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, Street150 इज़ माई इंस्टाग्राम हैंडल। एंड आई होप आपको ये वाला व्यू पसंद आ रहा हो। ये चेकआउट करो गाइस, क्या साउंड आउट आ रहा है बाइक का, सुपर। और सामने भाई पुलिस वाले। और जैसे ही भाई ट्रैक्शन ऑफ होती है ना, ये देखो कैसे उड़ने लगती है बाइक। बाइक ना सीधा और चलने लगती है भाई। तो अभी थोड़ा साइड में कहीं रोकते हैं यार, क्योंकि काफ़ी सारे दोस्त हैं जो हमें यहाँ पे बुलाए आज मिलने को। तो भाई आ गया अपनी ड्यूक्स 390 लेके। एंड ऐसे रैंडमली भाई मिल जाते हैं, तो अभी यहाँ रुकने का प्लान था वो चेंज करके हम लोग थोड़ा भगा रहे बाइक को। हाँ
गाइस अभी तो सच्ची बता रहा हूँ, इस टाइम पे सीरियसली मज़ा आ रहा है। बट कुछ लोग ऐसे बाइक चलाते हैं ना, यहाँ पे थोड़ा संभल के चलना पड़ता है। और भाई कुत्ते वुत्ते भी रोड पे क्रॉस कर रहे हैं, आराम से देख के भाई इन लोगों को। अभी आवाज़ बिल्कुल भाई विंड नॉइस आ रहा होगा, बट ट्यूब 390 को भाई साथ में ऐसे भगवा कर ना मज़ा आ रहा है बिल्कुल। रेस लगाएगा भाई, ये देखो भाई, ये चेकआउट करो, ये क्या है भाई ये देखो लगता है ये हो गया हैंग। आजकल किस्मत खराब चल रहा है, मेरा गोप्रो हैंग हो गया। हाँ भाई कैसे? बढ़िया भाई। आपका सारा वीडियो देख के हेलमेट क्यों नहीं पहन, तो ऐसे क्यों चला रहे हो यार? हम तो वैसे चला रहे, हेलमेट नहीं, थोड़ा पहन के चलो। इधर देखो बहुत सारा एक्सीडेंट हो रहा है यहाँ पे, आराम से चलो पहन के। आपका सारा वीडियो देख के बहुत अच्छा लगता है। चलो भाई अच्छा, भाई ऐसे क्यों चला रहे हो भाई, आराम से चलाओ यार थोड़ा। फिर भी नहीं मिल पाते, लेकिन आज हम देखे आपको कि आप जस्ट निकले एकदम फास्ट निकले, तो फिर उसके बाद पीछे से मैंने आज लकली मिल गए है ना। मिल गए। चलो भाई आज वाला तो देख, ऐसा रिव्यू सुन के मजा आ जाता है, लेकिन सही बात, अच्छा लगता है। ठीक है भाई, तो अभी हमने बस बाइक रोका है, बहुत सारे भाई अपने प्यारे प्यारे यूट्यूब फैमिली मेम्बर मिल गए, एंड सबसे मिल के ना काफ़ी मज़ा आ जाता है। तो मुझे ये तो समझ में आ गया कि यहाँ पे अपन बैठ नहीं सकते सुकून से। अगर मैं जिस दिन भी यहाँ पे गॉडज़िला लेकर आता हूँ ना, जो लोग नहीं भी जानते वो भी बाइक देखकर आ जाते हैं, ये चीज़ काफ़ी अच्छा लगता है। इधर देखो क्या प्यारा हो रहा है यार, अपन बस ना फन के लिए कर रहे हैं ये सब, आप लोग प्लीज ट्राई मत करना। एंड गाइस मैं एक चीज बताता हूँ, जिस तरीके से मैं इस बाइक को भगाता हूँ ना, उस तरीके से इसकी ब्रेकिंग भी है। भाई हेलमेट पहन लिया करो, हेलमेट पहन लिया करो भाई। हाँ क्या भाई, भाई तो सुन ही नहीं रहा। प्यारी वीली थी भाई कमेंट करके बताना कैसा लगा ये वाला वीली, क्योंकि भाई ने बोला विहान ने कि एक वीली मार देते हैं भाई। वैसे देखो मैं एक चीज बता रहा हूँ फैक्ट, जिस दिन भी ना मैं बाइक को मतलब अपने मूड से दो दिन राइड कर लेता हूँ, तो भाई बाइक की जो टैंक है ना, दो दिन में खाली हो जाती है। इन टाउन बोल रहा हूँ मैं, पटना के बाहर कहीं नहीं लेके जा रहा ना हाईवे लेके जा रहा बाइक को, इन टाउन में दो दिन में बाइक की पेट्रोल भाई टंकी पूरी खाली कर देता हूँ। 17 लीटर्स का टैंक है भाई समझ लो, क्योंकि देखो मैंने बस दो दिन पहले ही बाइक को राइड किया था, फ्यूल का पोजीशन आप देख सकते हो, एंड आज फिर मैंने बाइक निकाला तो यहाँ पर 2 पॉइंट है। बट ये घर जाते जाते ना ये भी भाई समझ लो कि शायद एक बचे या वो भी ना ब्लिंक पर चली जाए। तो एक चीज़ तो मैं आपको बताना चाहूँगा, माइलेज एवरेज के लिए अगर आप लोग सुपर बाइक सोच रहे हो कि एवरेज अच्छी देगी कोई भी सुपर बाइक, तो प्लीज़ गाइज अगर एवरेज सोच के लेना तो कभी मत लेना। एंड बहुत लोग कमेंट भी करते हैं यार क्या एवरेज दे रही नहीं एवरेज दे रही है, बट एज अ जनरल नॉलेज मैं बता देता हूँ, अगर सिटी में राइड करेंगे ना तो ज़्यादा एवरेज नहीं देती है। भाई को फुल आग आ गया है भाई, मतलब क्या ही बताओ, इसे पूरा जोश आ गया मैंने बोला एटलीस्ट हेलमेट पहन के राइड करो, क्योंकि देखो आपका अगर गलती ना भी हो दूसरे का गलती हो सकता है, या कभी आपका भी गलती हो सकता है। तो रोड जो है ना, इंडियन रोड्स दैट आर
क्वाइट अनसेफ, कहीं पे कुछ भी हो सकता है, तो थोड़ा संभल के ही चलना चाहिए। दैट्स बेटर फॉर अस एंड आप लोगों के लिए भी मैं ये सजेशन दूंगा। यहाँ पे भाई मैंने मोस्टली बहुत लोग को देखा यार हेलमेट नहीं पहन रहे ये लोग, पता नहीं क्यों। एटलीस्ट देखो अगर राइडिंग गियर में कुछ आप लोग नहीं पहन पाओ डेली, देखो मैं बता रहा हूँ डेली यूज़ के लिए ना इट्स नॉट पॉसिबल टू वियर अ राइडिंग जैकेट एंड अ राइडिंग पैंट, बट एटलीस्ट आप शूज़ पहनो, ग्लव्स पॉसिबल हो तो ग्लव्स पहन लो, एंड हेलमेट तो भाई प्लीज़ नेसेसरी है। जितने भी मेरे व्यूअर्स हो भाई मैं इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम मी, प्लीज़ यार दिल से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यार हेलमेट ज़रूर पहनो। मैं ना आज प्रॉपर मोटिवेट कर रहा हूँ भाई आप लोगों को कि अगर बाइक चलाना है, देखो फास्ट चलाना स्लो चलाना वो मैटर नहीं करता, अगर आपके अंदर भाई अगर वैसी बाइक आपके हाथ में तो फास्ट चलाओगे, किसी के बोलने से आप रुकोगे नहीं, बट मैं हमेशा बोलता हूँ फास्ट चलाने से ज़्यादा रोकने भी आना चाहिए, तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है। चलते हैं भाई जल्दी से अपन। वैसे आज का प्रॉपर जो वीडियो है वो मरीन ड्राइव का ही हो गया, मतलब पूरा राइड हमने मरीन ड्राइव पे ही कर लिया एंड इसका अपना दो चक्कर लग गया, अभी मैं वापस भी जाऊँगा तो दूसरा चक्कर कम्प्लीट हो जाएगा। तो अभी अपन चलते थोड़ा ऊपर की तरफ जहाँ पे ये रिंग रोड बना है वहाँ पे बैठते एंड थोड़ा चिल आउट करते, क्योंकि काफ़ी दिन के बाद कुछ फ्रेंड लोग मिले। रियली तो ऐसा लगती है ना कि पूछो ही मत। भाई दे भाई ये एक्सीडेंटल भी ली था मैंने, नहीं मारा था अभी, मैंने क्लच भी नहीं यूज़ किया था, मैंने बस थ्रॉटल आउट कर दिया था। एंड ये रहा जेपी सेतु ब्रिज, यहाँ का व्यू देखो यार क्या अल्टीमेट नज़ारे है यहाँ से, एंड यहाँ से ना जो सनराइज एंड सनसेट देखने में तो मज़ा आता है। ये देखो भाई बच्चे को उठक बैठक करा रहे पुलिस वाले, पता नहीं क्या हो रखा है। एंड आई होप गाइस आपको आज की ये वीडियो पसंद आएगा, आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पे, एंड मिलते हैं गाइस फिर किसी ऐसे वीडियो में, एंड देन बाय बाय एंड राइड सेफ।